आज तो मैं तेरा सिर ही तोड़ दूंगी। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, गिरा के मेरा कमर ही तोड़ दिया। अरे बाप रे, एकदम मत छोड़िए इसे मुखिया जी, बिल्कुल भी मत छोड़िए। जब देखो रटती रहती है दीदी दीदी दीदी। अरे बात क्या है तो बताओ, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? देखिए ना मुखिया जी, आज मैंने मीट बनाया था, सिर्फ बर्तन धोने गई थी और उतनी ही देर में इस चंदा ने मेरे मीट में मिर्च पाउडर और ढेर सारा नमक मिला दिया। भला ऐसे कोई करता है क्या? अभी तक मेरा गला और मुंह जल रहे हैं। अरे बाप रे, उसके बाद मुझे पानी ना मिले इसलिए इसने घर से सारा पानी ही गायब कर दिया। ऐसा किया है इसने। जी। चंदा, ये तुमने बहुत गलत किया। मैं अभी तुम्हें महाराज के पास लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी इसी वक्त। ओ, गलती क्या सिर्फ मैंने किया है? और दीदी ने जो मुझे लालच दिया उसका क्या? जब मैं थोड़ा सा मीट खाने के लिए मांगी तब जो मेरे मुंह के सामने धड़ाम करके खिड़की बंद कर दी उसका क्या होगा? गलती दोनों ने ही किया है और महाराज ने हम दोनों को कहा है कि बांट कर खाने के लिए, हाँ एक साथ खाना बनाने के लिए। लेकिन दीदी बहुत चालाक है, वो बढ़िया खाना बनाती है, खुद ही खाना बनाकर खाती है, मुझे जरा से भी नहीं देती है। ओ हो, अब कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है बदमाश कहीं। मंदा, सुनो मेरी बात सुनो मंदा, और चंदा तुम भी सुनो। मुझे लग रहा है कि चंदा के भूख की वजह से उसका व्यवहार खराब हुआ है। अच्छा बना नहीं पाती इसलिए अच्छा खा नहीं पाती, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा करती है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, आप अंतर्यामी हैं। सुनो, तुम दोनों आज मेरे घर शाम को आओ, आज मेरी गिन्नी का जन्मदिन है। हाँ, तुम लोग रात को मेरे यहाँ पे ही खाना पीना खाना, उसके बाद तुम लोग गेस्ट रूम में रुक जाना और सुबह सुबह नाश्ता करके घर चली जाना। क्यों, समझ गई ना? अब तो खुश हो? खुश मतलब बहुत खुश। तब फिर ठीक है, तब शाम को आ जाना दोनों। ठीक है, तब मैं घर का सारा काम वाम निपटा कर रात में ही आऊंगी। अच्छा, ठीक है, तभी आना। ठीक है मुखिया जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनो मंदा और चंदा, आज तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे से खाना बनाया गया है, तुम दोनों पेट भर के मन भर के खाना खाओ। हाँ, उसके बाद तुम दोनों को मैं कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं मुखिया जी, आपने तो आज दोपहर में ही कहा कि अभाव से स्वभाव नष्ट होता है, ये भूख मिट गई तो फिर क्यों वैसे करूँगी। और थोड़ा सा मीट दूं? हाँ, दो ना। बहुत स्वाद बना है। जब मंदा को दी है तब मुझे भी दीजिए। हर समय जलती रहती है। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मैंने कुछ कहा क्या? तुम दोनों अब यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो। ए चंदा, अपनी नाक देख, मीट का सालन लगा हुआ है। हाँ। अरे नाक पर। ये क्या दीदी, मीट का और एक पीस कहाँ है? हाँ, मेरे पास चार पीस था और नाक पोछते पोछते चार से तीन हो गया। हाँ, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही है तू? देखिए ना मुखिया जी, देखिए, आपके सामने ही चोरी कर ली। क्या ये सच है मंदा? विश्वास कीजिए मुखिया जी, विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना, आज तो मजा आ गया। ठीक है, सही समय आने पर मैं जवाब जरूर दूंगी। क्या तुमने मुझे अपनी थाली से मीट चुराते हुए देखा, जो मुझे इस तरह चोर कह रही हो? ओह, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकती। अब जरा शांति से खाना खाओ। गिन्नी, देखो जरा चंदा को और मीट दे दो। बहुत दिनों बाद जी भर के खाया है। कल चंदा ने
मेरा मीट खराब कर दिया। मेरा मन बहुत उदास था, अभी मन और पेट दोनों भर गए हैं और खाना खाने का बहुत ही मजा आ गया है। ठीक है, तुम दोनों अपना अपना हाथ धो लो, तुम लोगों को अपने अतिथि घर में ले चलता हूँ, इतनी रात को घर जाने की जरूरत हाँ, नहीं है। सुना मैंने, रात के वक्त यहाँ पर भूत घूमते रहते हैं। देख रही चंदा, मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, रात के समय ऐसी बातें बिल्कुल भी मत बोलना, समझी? चलो, ये रहा, ये तुम दोनों का कमरा, तुम दोनों रात भर आराम से सो, उसके बाद दोनों सुबह नाश्ता करके घर चली जाना। ये लो, ये लालटेन पकड़ो। मिल गया मुझे, इस लालटेन से दीदी को भूत बन के डराऊंगी। चलो दीदी, जल्दी से सो जाते हैं, चलो। मेरे सोने से नहीं चलेगा, दीदी को डराना है ना। बस अब इस चादर से काम हो जाएगा, सिर्फ आंखों के पास दो छेद करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसे छेद? हाँ, बाहर काटी वाटी कुछ मिल जाएगा, जाकर देखती हूँ। क्यों मंदा, आओ माओ खाओ, इंसान का खून पियो। कौन? मैं इस गांव की चुड़ैल हूँ, तुम्हें आज खाऊंगी। तुम्हारी बहन चंदा को पहले ही चबा चबा कर खा गई हूँ। अरे बाप रे, चुड़ैल! बचाओ, कोई बचाओ, चुड़ैल आ गई है, बाप रे, कोई बचाओ। तुम तो अपनी बहन का मीट चुरा कर खाई थी, अब मैं तुम्हारा मीट खाऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, 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 चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। अरे बाप रे, क्या मुसीबत पड़ी है सर पर, फिर कभी रात के समय कहीं नहीं जाओगी। खुद का घर ही अच्छा होता है, कल सुबह मैं जाकर मुखिया जी को ये सारी बात बताऊंगी, क्या हुआ था। ये लो आप दोनों का नाश्ता, गरम गरम पूरी, आलू दम और मिठाई। अच्छा, यहाँ रख दीजिए, मैं खा लेती हूँ। ये क्या, मंदा कहाँ गई? वो जरा मतलब घर गई है, घर अभी आ जाएगी, अब खाना रख दीजिए। अच्छा ठीक है। कल मेरे हिस्से का मीट चुरा कर खा गई थी, आज तुम्हारे हिस्से का नाश्ता मैं खा गई, बस खाना हो गया, अब मुखिया जी से मिलकर मैं घर जाती हूँ। मुखिया जी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुबह की पूरी दम आलू बहुत बढ़िया था। लेकिन तुम्हारी दीदी अभी तक आई नहीं? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आई है। अरे ये क्या, चंदा तुझे चुड़ैल ने खाया नहीं, तू अभी तक जिंदा है? मैं ही तो चुड़ैल थी, मैं खुद को कैसे खाऊंगी? क्या मतलब? मतलब तो बिल्कुल साफ है, कल जैसे तुमने मुझे कहा कि नाक में तरी लगी है, मैं जैसे ही पोछने गई, वैसे ही तुमने क्या किया, एक मीट का पीस झट से हटा लिया। हाँ, मुखिया जी ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने आधी रात को। उसके बाद सुबह तुम्हारे हिस्से का सारा पूरी और दम आलू मिठाई खाली। तुम दोनों की नोक झोंक कभी खत्म नहीं होगी। क्या तुमने मेरा नाश्ता खाने के लिए ये सब किया? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक तो रुक, क्या मैं कहती हूँ, रुक रुक, ये
छोड़ोगी तभी तो छोड़ोगी। मैं कहती हूँ रुक जा, रुकती है कि नहीं?